तो भाई आज का वीडियो तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है ब्लड लाइन से। तो हाँ, अब ये बात कंफर्म हो ही चुकी है कि रोमन रेंस अपना चैंपियनशिप बेल्ट हारने वाले 100% क्लैश ऑफ द कास्टल के अंदर। और क्या अपडेट है ड्रू मैकइंटायर के हेल्थ को लेकर क्लैश ऑफ द कास्टल के अंदर, इसके बारे में भी आज डिटेल में बात करेंगे। तो अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है क्लैश ऑफ द कास्टल में फाइट करने के लिए ड्रू मैकइंटायर बिल्कुल फिट और उनका जो इंजरी है बहुत ज्यादा माइनर इंजरी है, जिसके कारण उनको लाइव इवेंट से हटाया गया था। तो भाई इससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाता है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच क्लैश ऑफ द कास्टल वाला कैंसिल बिल्कुल नहीं होने वाला। और आज का सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज ये है, अब ड्रू मैकइंटायर कंफर्म हो चुके 100% अनडिफीटेड WWE चैंपियनशिप बेल्ट जीतने के लिए। तो देखिए इंटरनल सोर्सेस से ये रिपोर्ट निकल कर सामने आया है कि रोमन रेंस क्लैश ऑफ द कास्टल के बाद अपना दोनों चैंपियनशिप बेल्ट नहीं रिटेन करने वाले, या तो एक चैंपियनशिप बेल्ट लेकर जाएंगे या दोनों चैंपियनशिप बेल्ट हार कर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट आखिर लेकर जाने वाला कौन। तो देखिए अभी तीन लोगों का नाम आ रहा है जो कि रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट लेकर जाने वाले। तो देखिए फिलहाल नंबर 3 पर नाम आ रहा है ऑस्टिन थ्योरी का, जो कि मनी इन द बैंक विनर है, और नंबर 2 पर नाम आ रहा है कैरियन क्रॉस का, और नंबर 1 पर ड्रू मैकइंटायर है। अब बात कर लेते हैं कैसे WWE रोमन रेंस के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट लेने वाली। तो देखो भाई मैच के अंदर कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि मनी इन द बैंक कैश इन कर दे अपना ऑस्टिन थ्योरी और रिटेन कर ले सक्सेसफुली चैंपियनशिप, और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर उससे चैंपियनशिप बेल्ट वापस ले ले। ऑल ओवर बात यही है क्लैश ऑफ द कास्टल में रोमन रेंस 100% अपना एक चैंपियनशिप बेल्ट हारने ही वाले। अब देखना यह मजेदार होगा कि जब रोमन रेंस का मैच ड्यूअल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए एडवर्टाइज है ऑलरेडी, तो एक चैंपियनशिप बेल्ट रोमन रेंस के हाथ से कैसे लेती है WWE। और एक बात और मैं बता दूं, बहुत सारा शॉकिंग एलिमेंट होने वाला इस मैच के अंदर, मतलब इस मैच के अंदर किसी का रिटर्न भी देखने को मिल सकता है, किसी का इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकता है, बहुत आम बात है ये। और ऑलरेडी आप देख ही सकते हो कितने लोग इन्वॉल्व हैं इस मैच के अंदर। देखो सबसे पहले तो पूरा ब्लड लाइन इन्वॉल्व होगा इस मैच के अंदर, जो कि हर मैच के अंदर पूरा ब्लड लाइन इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मनी इन द बैंक विनर ऑस्टिन थ्योरी भी इस मैच के अंदर इन्वॉल्व होने वाला है, जिसका चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर के साथ मैच है, तो ड्रू मैकइंटायर ऑलरेडी रहने वाला है इस मैच में, और कैरियन क्रॉस भी रहने वाला है उसके साथ साथ, क्योंकि कैरियन क्रॉस ड्रू मैकइंटायर के साथ साथ रोमन रेंस में भी शॉट ले रहे हैं आते के साथ साथ। उसके बाद हमें रूमर आ रही है कोडी रोड्स का रिटर्न का, तो शायद ये भी ना आ जाए इस मैच के अंदर। तो भाई देखो ओवरऑल ये मैच को प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ओवरऑल बात ये है रोमन रेंस अपना चैंपियनशिप बेल्ट एक हारने वाले हैं इस मैच के अंदर। और ओवरऑल WWE का प्लान है इस मैच को बहुत ज्यादा बड़ा भी बनाने में, क्योंकि ऑब्वियसली रोमन रेंस का स्ट्रिक टूटने वाला है यार इस मैच के अंदर। आई थिंक रोमन रेंस 950 दिन से एक भी मैच नहीं हारे हैं WWE में। तो भाई ये मैच तो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इस मैच को, सबको कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है। अब चलते हैं आज के सवाल पर, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिंदर महल किसको हराकर WWE में फर्स्ट इंडियन WWE चैंपियन बने थे? आपको अगर पता है उस रेसलर का नाम जिसको हराकर जिंदर महल WWE चैंपियन बने थे फर्स्ट और लास्ट टाइम, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सब लोग। और अगर आपका कोई भी सवाल हो रेसलिंग से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।